और एक बहुत बड़ी डील हुई है, ये हमारे वीकेंड में हुई है, रिलायंस और फ्यूचर वाली डील, तो उसका क्या मायने है? तो उस डील के बारे में आप इस तरीके से देखिए कि देखिए अभी ऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो 3-4% से ज्यादा नहीं है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का पार्ट। उसके अंदर भी क्या है कि डीमार्ट करके कंपनी है जो काफी अच्छा कर रही है। दूसरी तरफ पे रिलायंस अब उससे काफी बड़ा हो गया है क्योंकि ये जो फ्यूचर को उन्होंने खरीदा है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मेजर एसेट्स हैं कंपनी के वो सारे रिलायंस ने ले लिए हैं, और रिलायंस का जो डील जिस वैल्यूएशन पे हुआ है मुझे लगता है काफी उम्दा रेट पे उनको मिला है। अभी हमने आगे जाके समझना पड़ेगा कि किस टाइप के हेयर कट कुछ ये बैंक्स को लेने पड़ेंगे ये डील को पास ऑन करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे होगा। अभी तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफी जो ये स्टॉक्स हैं फ्यूचर एंटरप्राइज के जो स्टॉक्स हैं और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो सारे ऊपर गए आज जैसे हमने देखा, क्योंकि पहले लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं होने वाला इन स्टॉक्स को रख के। अब पर मुझे लगता है कि इट इज बेटर कि जब ये स्टॉक्स जो मार्केट के हिसाब से जो स्वैप रेशियो है उसके हिसाब से जब वो रेशियो पे आ जाएंगे उस टाइम पे मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी डील जो है उसको कैसे क्या जामा पहनाया जाएगा अगले 1-1.5 वर्ष में, क्योंकि डील काफी कॉम्प्लेक्स है। उसमें मुझे लगता है बेटर लेवल्स आपको बाद में मिल सकते हैं को लेने के लिए। तो अभी के लिए तो जब जब ये जो रैलीज हैं स्टॉक में वो खत्म हो जाएंगी उस टाइम पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। एक सवाल का बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी, रिलायंस के शेयर में बहुत तेजी देखी गई है पिछले 3-4 महीने में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आए हुए हैं और इस तरह के बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं। इसमें अभी जो लंबा निवेश करना चाहते हैं या अभी प्रवेश करना चाहते हैं क्या वो कर सकते हैं? तो रिलायंस एक बहुत अच्छी कंपनी है जो अभी इंडिया का गूगल कुछ लोग बोलने लग गए हैं, पहले वो इंडिया का एमको बोलते थे। द स्केल जो रिलायंस ग्रुप क्रिएट कर सकता है वो कोई भी भारत में और भी किसी ग्रुप के पास वो एबिलिटी नहीं है वो करने की। ये सब कहने के बावजूद मुझे लगता है कि 700 रुपये का शेयर आपका 2100 रुपये आ गया है, तो लगभग 3 गुना की बढ़त हो गया, 3 गुना हो गया है अपने रेट से। मुझे लगता है कि अगर आपको ये शेयर 1800-1900 रुपए के आसपास मिला मार्केट करेक्शन में तो वो एक अच्छा भाव होगा जिसके अंदर आप ये स्टॉक में और निवेश करना चाहिए। ऊपर चढ़ के स्टॉक लेना मेरे हिसाब से लाजमी नहीं होगा, क्योंकि जो उसका कोर बिजनेस है उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमी नॉट डूइंग वेल, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रेट मिल भी सकता है।